तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति का एक साल पूरा होने पर शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा फैक्टर साबित होगी और नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका भी निभाएगी। आप भी सुनिए। एक साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते एक वर्ष में देश के आप सभी महानुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। साथियों, ये महत्वपूर्ण अवसर ऐसे समय में आया है जब देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज से कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त को हम आजादी के 75वें साल में प्रवेश भी करने जा रहे हैं। एक तरह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। भविष्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है और इसलिए देश ने इस शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है।